और शास्त्र, इनमें जो वर्णन होता है ये वही नंद बाबा का घर है नंद भवन। नहीं पढ़ो कि वृंदावन सो वन नहीं और नंद गाम सो गाम और बंसी बट नहीं तो कृष्ण नाम सो नाम। आया समझ में? नहीं, नहीं तो बोल रहा हूँ, ट्रांसलेट कीजिए सरल भाषा में। ट्रांसलेशन महाराज करेंगे सरल। नहीं नहीं, सरल भाषा में नंद गांव जैसे गांव नहीं है त्रिभुवन में, क्योंकि आप कितने गांव हैं आप देखा, विलेज तो बहुत सारे विलेज है ना, लेकिन नंदगांव जैसा विलेज नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान का जगह, भगवान का गांव है, इसलिए ये श्रेष्ठ है। मतलब सारे विलेज से, सारे गांव से श्रेष्ठ है नंदगांव। और सारे नाम, कितने नाम है जगत में, कितने लोगों का कितने नाम है, कितने पहाड़ पर्वत कितना नाम है, लेकिन सारे श्रेष्ठ नाम में श्रेष्ठ नाम ही श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ है, यही बात बोल रहे हैं। और वृंदावन का वन नहीं, वृंदावन जो है जो एक वन, तो वन बहुत है लेकिन सभी वनों में श्रेष्ठ है वृंदावन। और बंसी भट, बंसी भट है एक जगह है वृंदावन के पास, बंसी भट, तो भट माने कदम का वृक्ष, बट वृक्ष है। यहाँ भगवान बंसी बजाते थे। तो ये जो जगह है ये ब्रज में तीन देवता है, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों पर्वत रूप में वास करते हैं। आप लोग कहते हो नहीं इतना ऊंचा क्यों है कृष्ण, इतना ऊंचा क्यों बैठ गया है? तो नंदगांव भगवान शिव का पर्वत है, नंदीश्वर पर्वत। बरसाना जो है ब्रह्मांचल पर्वत, ब्रह्मा जी का, ये शिव का। और यहाँ से आप लोग आए हो महाराज जी के साथ में गोवर्धन, वो श्री हरि विष्णु पर्वत है। तो श्री कृष्ण लीला देखने के लिए ये सब पर्वतें हो गए। कि एक बार अयोध्या, दो बार द्वारका, तीन बार त्रिवेणी में जाकर के नहाओगे, चार बार चित्रकूट, नौ बार नासिक, बार बार बद्रीनाथ केदारनाथ घूम करके आओगे, लेकिन होते हैं दर्शन प्रत्यक्ष श्याम सुंदर के, नंदगांव जैसा आनंद कहीं नहीं पाओगे। यहाँ का मतलब इस जगह में इतनी जा कर भी जो आनंद मिलेगा, इसके कंपेरेटिवली यहाँ जो आनंद मिलेगा कहाँ नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। वो क्यों नहीं मिलेगा? कि यही भगवान शिव आए थे दर्शन करने के लिए, लेकिन मैया यशोदा ने शिव को दर्शन नहीं कराया। क्यों नहीं कराया? कि बाबा तेरे ऊपर सांप लटकते हैं, बिच्छू लटकती, कातर लटकता है, मेरा लाला छोटा सा है, डर जाएगा, मैं दर्शन नहीं कराऊँ। तो भगवान शिव जंगल में जाकर के बैठ गए, लेकिन यहाँ भगवान कृष्ण रोने लगे। भक्तम पराधीन भगवान, जो सच्चे मन से आएगा ना, जो भावना से आएगा उसको दर्शन जरूर होगा, और जो अहंकार से आएगा उसको दर्शन नहीं होगा। तो भगवान शिव तो बड़े भाव से आए थे दर्शन के लिए, तो मैया ने दर्शन नहीं कराया, तो शंकर जी यहाँ से दूर जंगल में जाकर के बैठ गए। लेकिन यहाँ भगवान कृष्ण रोने लगे, तो मैया यशोदा खिलौना दे, माखन दे, लेकिन भगवान उतना ही रोने लगे। तो मैया यशोदा ने गोपी को भगवान शिव को बुलाने के लिए भेजा कि चल रे योगी नंद भवन में, कि चल योगी नंद भवन में, और यशोमत माए बुला रहे, उसको यशोदा मैया बुला रही है, और बाके लाला को नजर लगी, उसके लाला को नजर लग गया है, नजर जानते हो ना, तो पे राई नोन करवावे। जब हमारे यहाँ नजर लग जाती है तो बच्चे पर राई नोन करते हैं, तो बच्चा ठीक हो जाता है। तो भगवान शिव आए, कृष्ण के ऊपर राई नोन किया, कृष्ण हंसने लगे। तो मैया यशोदा ने प्रसन्न होकर कहा कि रह रे योगी नंद भवन में, तू नंद भवन में और ब्रज में बासो कीजे, तू ब्रज में बास कर, और जब जब मेरो लाला रोवे तब तब दर्शन दे। कि बाबा जब जब मेरो लाला रोयो करे तो तू वह दर्शन दे के हंसायो कर। तो ब्रज में इनके पांच नाम हैं, नंदगांव में नंदीश्वर, काम वन में कामेश्वर, गोवर्धन में चकलेश्वर, मथुरा में भूतेश्वर, वृंदावन में गोपेश्वर। तो ये ब्रज में पांच नाम से प्रसिद्ध हैं। यहीं पर उद्धव जी आए थे ज्ञान देने के लिए, लेकिन गोपियों ने उल्टा ज्ञान दिया था उद्धव के लिए। तो
कैसे कि उधो सूदो है गयो सुन गोपिन के बोल। उधो जो था वो सूदा हो गया जब गोपियों के बात वचन सुने, और ज्ञान बजाई डुग डुगी तो प्रेम बजाई। तो उधो का जो ज्ञान था वो डुग डुगी की तरह बजने लगा, और गोपियों का जो प्रेम था वो अगा ढोल की तरह बजने लगा। तो उधो जी जहाँ एक रात्रि रुके थे, एक रात्रि उनकी 6 महीने के बराबर हो गई। तो ये ब्रज के 4 गांव मेन हैं, नंदगांव, बरसाना, मथुरा, वृंदावन। तो हमारे ब्रज में कहते हैं कि जाने चारों गांव किए तो समझो उसने चारों धाम किए। जो हमारे ब्रज के 4 गांवों की परिक्रमा करता है ना, उनको 4 धाम जाने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती है कि वंदे कृष्णा जगत गुरु, तो कृष्ण सबका गुरु है और सब चेला है। तो आप लोग का ये भाग्य है जो भगवान कृष्ण के धाम ब्रज धाम में महाराज के साथ में नहीं है, किसी के साथ नहीं आते हैं। आप लोग भगवान के चरणों में नंद भवन या भगवान कृष्ण साक्षात खेलते हैं घुटमन घोटुओं से, उस जगह आप लोग बैठे हुए। और अब आपको महाराज जी बता देंगे उद्धव जी का क्या बोला। एक रात्रि रुके थे यहाँ, तो वो रात्रि इतनी बड़ी हो गई कि 6 मास के बराबर हो गई। मतलब जैसे एक रात उनको वो संभाल नहीं पाए वो अपने को, जैसे 6 महीना उनको लगा में 6 महीना हो गया। जैसे हम लोग को ना रतन बापुर बोलते ना, एक निमिष एक मुहूर्त भी हमको 6 महीना लगता है। जुगा इतन निमिष न चक्षुषा प्रकुषा इतन शून्य इतन जगत सर्वम गोविंद विरह न मिल। गोविंद के विरह में एक थोड़ा सा समय भी रूप सा प्रतीत होता है। हम लोग जो किसी के विरह में रहता है ना, हम लोग कहें कब आएगा, 1 मिनट भी हमको बहुत भारी पड़ता है। लेकिन जब आनंद में रहता है तो कितना दिन निकल जाता है पता नहीं चलता। तो ऐसा ही है, उद्धव जी को खुद के मन दुख होगा उनका पूरा इतना, जबकि उनका मन में था यह अहंकार कि मैं ज्ञान दे दूँगा। क्योंकि उन्होंने सोचा ये लोग भगवान ने बोले आप जा कर के हमारे मेरा संदेश जा कर सुना, क्योंकि भगवान बहुत प्यार करते थे ब्रजवासियों को, तो मन उनका दुख रहता था। उन्होंने बोले जाके ब्रज में जाके सुना कथा, उद्धव जी बोले मेरा ज्ञानियों में जाके उनको शांत करा दूँगा। और जब यहाँ आ कर के उद्धव जी शांत हो उनका जो मन था उनको शांत कराने के लिए, लेकिन वो शांत नहीं करा पाए। वो स्वयं उनका जो ज्ञान का जो अहंकार था वो ज्ञान का अहंकार यहाँ टूट गया। ऐसे बहुत सारे कथा क्यों कैसे उनका टूटा, उन्होंने बोले भगवान तो प्रति जीव के हृदय में है, तुम रो रहे क्यों। पहले आके उनको सबको समझाते हो भगवान तो हर जगह में, क्यों तुम रोते हो। तो उन्होंने बोला उद्धव, गोपियों ने बोला उद्धव मन नहीं 10-20, उद्धव मन ना भाई 10-20, मन हमारा 10-20 नहीं है, मन केवल एक है हमारा। और वो एक मन श्याम के सुंदर के पास गया, उनके साथ चल के गया। और हमारे पास दो मन नहीं है, वो सेकंड माइंड नहीं है, तो हमको परमात्मा को किसको देंगे आप दूसरा मन। समझ में आया ना, क्योंकि जो एक मन हमारा था अच्छा, वो कितने एकनिष्ठ थे वो भगवान के प्रति, वो एक मन हम अर्पण कर दिया भगवान। हम लोग का क्या, भगवान को एक मन और विषयों में कितना पकौड़ी खाने में, वहाँ घर जाने में, उधर जाने में मन हमारा हजार मन बटा हुआ। बेटा इधर मत गेरी है, ऊपर गेरी छत पर, ना काट लेंगे। हजार मन बटा हुआ इसीलिए लेकिन गोपियों का मन ऐसे गोपियों का मन इस प्रकार नहीं था। नहीं कहाँ गया मन हम लोग का भटक, लेकिन उनका जो माइंड था एक एक निष्ठ मन था। इस प्रकार फिर उद्धव जी का मन ऐसा हुआ, दुख हुआ। अब मैं सोचा था शायद ये लोग शायद छोटा भक्त हैं, मैं भगवान का सबसे बड़ा भक्त हूँ, क्योंकि मैं ज्ञानी हूँ, मैं जानता हूँ। मन कैसे रहता है, हम भगवद गीता जानते हैं, भागवत जानते हैं, रामायण जानते हैं, तो हमसे कितना हम उनको समझा देंगे। ये क्या, ये बुढ़ी है, इनको क्या जानते हैं, कुछ मालूम नहीं। बुढ़ी अम्मा जब बोलेगा अपना, अरे अरे हम तो कुछ नहीं इनके साथ में, तो यही हुआ उनका मन में जो था कि मैं इतना क्यों। बृहस्पति के शिष्य थे, बृहस्पति के शिष्य बन गया, तो उनका मन में था अहंकार था, इसके कारण वो
लेकिन जब उद्धव सुधो है गए हो गया। सुन गोपिन के बोल बचन और ज्ञान बजाई डुग डुगी तो प्रेम बजाए। तो ज्ञान वहाँ छोटा पड़ गया, डुगडी मतलब ऐसे डुगडी बजाते ना, लेकिन प्रेम वो ढोल जो बड़ा बड़ा ढोल बजाते ना ऐसे ढोल की तरह प्रेम। तो इस प्रकार उद्धव भी भागवत में उद्धव आता हम चरण रेणु दूसाम वृंदावन की मलतम औषधी नाम। मेरा गला इतना दुख गया जैसे बड़ा जोर से नहीं बोल, इसलिए कुछ छोटा माइक फाइक होता था अच्छा होता। क्योंकि जब की प्रार्थना करते हैं मुझे घास बनता है, हाँ ये गुलमलता मतलब घास और लता मतलब लता मतलब बेल, ऐसे में बन जाऊँ यहाँ जो इनका गोपियों का चरण रज मेरे ऊपर पड़ेगा। और वो जब चरण में चलेंगे डट में चलेंगे मेरे ऊपर होकर घास के ऊपर होकर के मुझे मेरा जन्म सफल हो जाएगा, उनका ये आशा था। और उद्धव जी बने गुलमलता बन करके रहे कुसुम सरोवर के पास, जब उद्धव जी ने वहाँ पर रहे फिर भगवत कथा सुनाया। वो बड़ी कथा है का ये करेंगे जब नंद परिक्रमा करेंगे। तो ये नंदगांव है और नंदगांव के आस पास बहुत स्थल बहुत स्थल है, ऊपर जाएंगे तो पूरा बहुत स्थल दिखेंगे। सरोवर है पावन सरोवर, पावन सरोवर है, पावन सरोवर का भी महिमा बहुत बड़ा है। पावन सरोवर में भगवान नित्य प्रति स्नान करते थे। नित्य पति राधा रानी और भगवान नंद बाबा जब तक सब लोग स्नान करते थे। एक दिन एक बार नंद बाबा का इच्छा हो जब सुना उन्होंने भविष्य पुराण में सर्व पुराण में बहुत सारे पुराण में गंगा का महिमा, मैं गंगा जी का स्नान करने के लिए जाऊंगा त्रिवेणी। तो उन्होंने जब भगवान सुने जब बाबा चाह रहे जाने के लिए उन्होंने इस प्रकार लीला रचना किया। तो नंद बाबा एक दिन जाके स्नान करते थे, बहुत बड़े बूढ़े संत वो स्नान करके उनके जमीन मतलब राजमहल लौट रहे। देखे तो उनका सब पूरा शरीर से दिव्य ज्योति निकल रहा है। उन्होंने पूछा आप कौन है? ना मैं तीर्थराज प्रयाग अल्लाहबाद ना तीर्थराज प्रयागराज में। तो आप इधर ना सारे प्रयाग में स्नान करते जाके तीर्थों में सारे पाप चला जाता है, सारे पाप मेरे ऊपर आता है, मैं पाप में पूरा भर गया। तो ये पावन सरोवर है, सारे पाप को पावन करते हैं, इसलिए मैं यहाँ आया। खाली मैं नहीं सारे तीर्थ देखो सारे प्रेमी में आकर के पावन सरोवर में स्नान करके सब जा रहे। तो देखा स्वयं देखा सारे तीर्थ आके स्नान करके, क्योंकि भगवान जहाँ स्नान करते हैं जहाँ उनके घर परिवार लोग स्नान करते वो जगह साधारण जगह है, साधारण पानी होगा। तो इसलिए वो फिर जब बाबा गए घर भगवान पूछे बाबा जाएंगे नहाने के लिए अलाहाबाद? अरे नहीं नहीं कन्या आप नहीं जाऊँगा, ये सारे तीर्थ इधर है, हम अलाहाबाद नहाने के लिए। इस प्रकार मतलब ब्रज का जो रज मतलब ब्रज का रज और ब्रज भूमि का तीन लोक तीरथ नहीं जैसी ब्रज की धूल। इसके बराबर तीन लोक भी नहीं है, तीर्थ नहीं है ऐसे, जैसी ब्रज की धूल है और लिपट जाते हैं अंग सों, यदि शरीर से लग जाती है तो भाग जात यमदू भाग जाते हैं। और मुक्ति कहे गोपाल सों, जो संसार की मुक्ति करती है वो हाथ जोड़ के खड़ी है भगवान कृष्ण के साथ, प्रभु मैं सबकी मुक्ति करती हूँ लेकिन मेरी मुक्ति कैसे होगी? कि मुक्ति कहे गोपाल सों मेरी मुक्ति बताए, और ब्रज की रज उड़ मस्तक लगे तो मुक्ति मुक्त है जाए। कि मुक्ति तू मेरे ब्रज में चली जा और मेरे ब्रज की रज उड़ के तेरे मस्तक पर लगेगी तो उससे तेरी भी मुक्ति हो जाएगी। तो ये वो रज है जो भगवान ने अपनी जिज्ञासा से खाई है। कहते ने ब्रज रज में लेट्यो नहीं, जो ब्रज में आकर के लेटा नहीं, और कियो ना यमुना पान, और तो तैने जान्यो कहा ब्रज को तत्व महान। जो ब्रज में आकर के लेटा नहीं, यमुना का आचमन नहीं किया तो जानेगा क्या कि ब्रज क्या है। तो ये वो भूमि है जिसके लिए देवता लोग तरसते हैं। कहाँ लेटेंगे हम? कहीं लेटो ब्रज का ब्रज की 84 वर्ष में कहीं भी लेट काल गोवर्धन में जाएंगे। गोवर्धन में लेट लो,
जो आए उसको ग्रहण करो, क्योंकि भगवान स्वयं सो पद रमण, भगवान स्वयं इस धरती में ये में चले चलना। जबकि देवता आते हैं, देवता लोग चलते नहीं, पाद उनका देवता लोग स्पर्श नहीं करते जमीन, और भगवान आकर के स्वयं इसी धरती पर चले, खाए भी वो मिट्टी को भी खाए, इसलिए ये साधारण धरती नहीं है। हम वहाँ बहुत सारे ऐसे घटनाएं हैं जहाँ एक सांड ने अचल, एक विदेशी भक्त आया था 60 साल पहले, अब सुना होगा ना कथा, अलंकार प्रभु है ना, वो बहुत साल पहले 50-60 साल पहले एक विदेशी, एक अंग्रेज ब्रिटिश वो आए थे, एक्चुअली वो ट्रेन में जा रहे थे, एक उन्होंने एक अपना एक डब्बा से निकाल करके रोज जो धूल को खाते थे, डब्बा निकाल कर धूल को खाया, तो सामने एक बैठा था इंडियन लोग, बोला ये क्या आप तो ब्रिटिश है, ये धूल को खा रहा है ना, ये इधर का धूल नहीं, वो भक्त भक्त कुछ नहीं, ये इधर का वो धूल नहीं, कहाँ का, ये वृंदावन का धूल है। तो उन्होंने आया था वृंदावन 60 साल पहले ऐसे घूमने के लिए, जैसे वो पुजारी बोला था ना, जब बोलते हैं ना यहाँ कुछ लोग घूमने के लिए आते हैं और कुछ लोग भावना दर्शन के लिए दर्शन करने के लिए आते हैं, वैसे ही घूमने, वो तो ब्रिटिश विदेशी लोग आया था घूमने के लिए। जब आया वृंदावन में कोई गेस्ट हाउस में, उस समय तो होटल नहीं था, धर्मशाला था, धर्मशाला में रुका, उसका बहुत मतलब घूमने का आदत है, रात में चांदनी रात था, और जमुना का किनारे बहुत सुंदर, पूरा फर्स्ट क्लास, 60 साल पहले तो बहुत पूरा फर्स्ट क्लास था, तो उन्होंने ऐसा लकड़ी मतलब अपना ये करके थोड़ा सा घूम, जब घूमने के लिए गया तो जमुना के किनारे एक पेड़ है, पेड़ के नीचे अंधेरा है, तो उन्हें सुनाई दिया, कुछ लोग हंस रहे, सुना दिया तो देखा तो लोग नहीं है, भूत है, सब भूत हंस रहे, आप लोग हंस रहे ना, काल है कि भूत नहीं बनेगा, भूत मतलब भूत नहीं बनेगा कैसा, जिसको असमय में मृत्यु होता है वो भूत नहीं बनते। तो एक लड़की हमेशा एक बैल को देता है, सांड को चारा डालता है, वो सांड बदमाश है, वो मार देगी, क्योंकि भूत लोग अपने सूक्ष्म शरीर में घूमते हैं, उनका स्थूल शरीर नहीं होता, सूक्ष्म शरीर में घूमते हैं, तो बोला ये काल उसको ये मरेगा, तो ये भूत नहीं बनेगा, हमारा एक भूत है उसको हम शादी करेंगे उनका। तो फिर दूसरे दिन भी ये गया, मतलब क्या होगा, देखो क्या मन होगा, भूत लोग का ऐसा जाके पहुँचा, सब लोग रो रहे हैं, रो रही आप लोग, क्या वो भूत नहीं बना, उनका बैकुंठ चला गया, क्यों, वो सांड उसको मारा, सांड उसका पेट में घुसाया, सांड के सींग में ब्रज का रज था, रज उसका पेट में गया, वो मरा, वो भूत नहीं बना रही, वो वैकुंठ चला गया, भगवान बोलो वृंदावन चला गया, इसीलिए उसका मूर्ति बोला, उसी दिन से ये देखो, वो स्वयं आँख में ये चीज को देखा सुना, तो बोला मैं भी वो ब्रज का रज मरा, उसी दिन से थोड़ा थोड़ा उसको लेता हूँ, इसलिए ये ब्रज रज साधारण रज नहीं, ब्रज रज तीन चीज कभी कंटामिनेटेड नहीं होता, चार चीज क्या क्या है, चार चीज जमुना तो प्रेम प्रदायी नहीं, चार चीज कंटामिनेटेड नहीं होता, गंगा जल इतना कचरा पड़ता है लेकिन गंगा भैया गंगा जल कब, और ब्रज रज है, यमुना जी थार है, यमुना जी तो प्रेम देते हैं, जमुना जी का स्तर अलग ऊपर है, तीन आप लोग बोल दिया, गंगा जल रज का रज कंटामिनेट नहीं होता, भगवान का नाम हरि नाम, आप कहाँ भी किधर भी आप जाओ, भगवान का नाम कभी कंटामिनेटेड होता है, अरे कट्टी गया बैठा है हम भगवान का नाम नहीं, हर जगह हर समय पवित्र रहता है, भगवान की कथा हो, और जगन्नाथ जी का महाप्रसाद, जगन्नाथ जी का महाप्रसाद भी कंटामिनेटेड नहीं होता, कहाँ भी गिरता है वहाँ से कुत्ता बंदर खाते हैं उसको उठा करके शिव ब्रह्मा खाते हैं, इसलिए ये चार चीज कभी कंटामिनेटेड नहीं होता, ब्रजरज कितनी नाम और ब्रजरज, इसलिए आसपास में बहुत सारे लीला क्षेत्र है भगवान का,
गुंडा कुंड है, मोती कुंड है, जो मुक्त भगवान ने मोती का पेड़ लगाया था ना, सुना होगा मोती का, भगवान ने जा रहे थे, सारे गोपियाँ ने माला बना रहे थे, तो भगवान ने बोला ये दे दो एक दो माला हमारा गैया के लिए बछड़ा के लिए। तो गोपियाँ ने बोला अरे आप क्या बोल रहे हैं, गैया बछड़ा पहनने का ये कितना कॉस्टली हार है मालूम है, मोती है, अरे मोती क्या है, भगवान ने ऐसे बोल दिया मोती क्या है, ये तो हमारा पेट में फलता है, हमारा घर में पेट में बच्चे लोग ऐसे बोल देते ना बहादुर करके। तो वो लोग हंसने लगे अरे ये इतना मूर्ख है, मोती कोई पेट में फलता है, मोती कहाँ होता है मालूम है, सात्विक, हाँ समुद्र सात्विक नक्षत्र में जो पानी गिरता है उसी मुँह खोल के रखता है उसमें जाके वो मोती पैदा होता है, वो ऐसे नहीं फलता। तो सब लोग हंसी मजा करने लगे भगवान, लेकिन भगवान जो बात बोलते हैं ना वो सत्य है, वो करके दिखाते हैं। तो तुरंत गए गुस्सा होकर, देखना हमारा घर में दिखा दूंगा, हमारा बगीचा में मोती जाए, माँ भैया को बोले मुझे मोती दो, तो क्या करेगा पेड़ लगाऊंगा, अरे अरे कन्हैया मेथी का थोड़ी कोई पेड़ लगता है, नहीं मुझे दो, ये कि बेटा तो है भगवान बोले ठीक है लो जो कुछ है, जो जितना था वो दे दिए, यमुना के किनारे उन्होंने वो यही पता मोती में मोती लगाया पूरी, और उसमें दूध और दही का सिंचा और मोती का पेड़ हुआ और फला भी। देखो तो ये भगवान का सत्य संकल्प, इसीलिए सत्य त्रिसत्य, भगवान जो बोलते जो करते हैं वो जो बोल दिया बहादुर से बोल दिया, हम लोग बोलने कोई सिद्धि हो जाएगा उस सिद्धि के लिए कितनी पाप सिद्धि के लिए 12 साल तपस्या करना पड़ता है, खाली केवल वचन सिद्धि करने के लिए कितनी कड़ी तपस्या करना पड़ता है, लेकिन भगवान भगवान ने खाली बोल दिया और गोपियाँ बोला वो कर दिया हम भी कर देंगे सारी को लेके डाला कुछ नहीं हुआ तो मोती का लेकिन कर सकते भगवान का लीला है। तो इस प्रकार भगवान बहुत सारे लीला भगवान के आसपास, यहाँ यशोदा कुंड है, यशोदा कुंड है, यशोदा मैया का मटकी है जिसमें यशोदा मैया दूध चलाती थी, यहाँ पर हाउ बिलाऊ यहाँ मैया यशोदा ने भगवान हिंदी में बोलिए, हिंदी में बोल रहा हूँ कि लाला तू मतलब दूर खेलने के लिए नहीं जाना, तुझे हवा खा जाएंगे, हम लोग डराते नहीं, लाला दूर खेल में मत जाइयो तो हुआ खा जाएंगे। तो भगवान कृष्ण बोले कि मैया यमुना तट यमुना जी के घाट मैंने गऊ चराई तहा ना देखियो हाउ मैया यमुना जी पर मैंने गऊ चराई लेकिन मैंने तो हाउ माँ भी नहीं देखा, मैंने बैठ पाताल काली धै नाथ्यो मैंने कालिया नाग को नाथ दिया लेकिन मैंने माँ भी हाउ नहीं देखा, और तू मेरी मैया है कि वो डरा रही है। वो राक्षस आदि पत्थर के बने हुए हैं, यहाँ भगवान कृष्ण का चरण चिन्ह बना हुआ है जिसको चरण पहाड़ी कहते हैं, चरण पहाड़ी, यहाँ जल विहार कुंड है, यहाँ भगवान जो गऊ चरा करके जब आए तो बैठ करके छाक खाया था, छाक मतलब अब ब्रेकफास्ट नाश्ता, तो सभी जो ग्वालवाल थे सखा लोग थे तो अपने घरों से कोई रोटी लाता था, कोई दलिया लाता था, कोई खिचड़ी लाता था, तो सब लोग बैठ करके एक जगह पाते वो जगह कृष्ण कुंड, या भगवान कृष्ण अपनी बंसी से खोद करके गऊओं को मीठा जल पिलाया, अब दूर गमन रास्ता जिससे भगवान मथुरा गए कंस वध करने के लिए, तो सभी यहाँ पर भगवान कृष्ण नहीं आए थे लेने के लिए नंदगांव आए, बहुत सुंदर कथा है, ऐसे तो बहुत सारे ये हैं, और हम लोग कितना समय हुआ, समय का चिंता रहता है तो कथा कहाँ से होगी, दामोदर लीला का।